आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार को धार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अलग अलग कार्यक्रमों में हुंकार भरेंगे पीएम। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मुरैना में जनसभा में शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:15 बजे आगरा में दूसरी जनसभा करेंगे पीएम, जनता को अपनी गारंटियों से अवगत कराएंगे। दोपहर 3:30 आंवला में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, जुटाएंगे जनता का समर्थन। शाम 5:15 बजे शाहजहांपुर में होगी पीएम की जनसभा, पीएम विपक्ष पर बोल सकते हैं जोरदार हमला। आज तेलंगाना और ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, अपनी पार्टी के लिए मजबूत करेंगे चुनावी जमीन। दोनों राज्यों में धुआंधार प्रचार कर चुनावी पेच कसने का प्रयास करेंगे शाह, लोगों को पार्टी की घोषणाओं से अवगत कराएंगे। सबसे पहले दोपहर 12:30 बजे सिद्दीपेट प्रचार का बिगुल फूकेंगे शाह, जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:00 बजे ओडिशा के सोनेपुर में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। गृहमंत्री की जनसभा में बड़ी संख्या में जुट सकते हैं समर्थक, गृहमंत्री विपक्षी गठबंधन का कर सकते हैं घेराव। कन्नौज से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव, आज करेंगे अपना नामांकन। अखिलेश यादव को टक्कर देंगे बीजेपी के सुब्रत पाठक, कन्नौज से सुब्रत पाठक आज नामांकन दाखिल करेंगे। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर मुहर लगते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, पार्टी कार्यालय पर एसपी कार्यकर्ता गोली गाड़ी पर घूमते नजर आए। अखिलेश ने इस फैसले पर बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने चुटकी ली, कहा अखिलेश यादव ने उनकी बात आखिरकार मान ही ली। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश के अलावा बीजेपी को कोई और टक्कर नहीं दे पाएगा। फिर हॉट सीट बनेगी यूपी की अमेठी, राहुल गांधी के अमेठी से नामांकन करने की चर्चा, स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल ने फिर ठोकी सियासी ताल। सूत्रों के मुताबिक 1 मई को अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी, राहुल की टीम ने अमेठी में शुरू किया कैंप। सूत्रों के मुताबिक 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के बाद 27 अप्रैल को अमेठी पहुंच सकते हैं राहुल गांधी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अमेठी से हार की हो रही खास चर्चा, राहुल को अमेठी की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा मतों से दी थी शिकस्त। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के भी चुनावी श्री गणेश की चर्चा, मां सोनिया गांधी की सीट रही रायबरेली से प्रियंका भर सकती हैं पर्चा।